तो रायपुर का नाम रायपुर 1402 में पड़ा था, जब रामाचंद्रा के बेटे ब्रह्मदेव राय ने यहाँ की सत्ता को कंट्रोल किया था। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड हेल्दी। अभी मैं जाने वाला हूँ मुक्तान गन, गेट खोल रहा हूँ स्कूटी निकालने के लिए। पीछे आप देख सकते हैं मैं यहीं रह रहा हूँ, वो वाला मेरा रूम है, ठीक है। और आज मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल 10 बज रहे हैं एंड थोड़े धूप में मैं निकल रहा हूँ। सनस्क्रीन वगैरह लगा दिया है, टैन नहीं होगा। हेलमेट और मास्क भी लगा लिया है क्योंकि थोड़ा धूप से भी बचूंगा मैं। तो चलते हैं भाई। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स खड़े हैं, जो कि बहुत सारे हैं। मेरे ख्याल से स्वामी विवेकानंद हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं। यहाँ एक और चौक आ गया, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। पता नहीं चल रहा है यार, मतलब किधर जाए आदमी। बहुत सारे इधर उधर स्टैचू हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने में। और ये हम देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के पुराने लोग ऐसे मटके बनाते थे, जो भी मटके हो गए और बर्तन हो गए। और ये लोहार का है, ठीक है, ये लोहार है तो ये कुछ कलाकारी कर रहा है। और ये बहन जी मूर्ति वगैरह बना रही हैं शायद। तो यहाँ एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको थोड़ा रायपुर के बारे में बताना चाहता हूँ। रायपुर का नाम रायपुर 1402 में पड़ा था, जब रामाचंद्रा के बेटे ब्रह्मदेव राय ने यहाँ की सत्ता को कंट्रोल किया था। तो उनका नाम था ब्रह्मदेव राय, तो राय से वो इस शहर को रायपुर का नाम दे दिए। और बात करें रायपुर के एग्जिस्टेंस का, तो रायपुर 9th सेंचुरी से एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका नाम रायपुर नहीं था। मतलब ये मौर्य किंगडम में आता था और उससे पहले भी गुप्ता किंगडम में आता था, पता नहीं इसका टाइमिंग मुझे। लेकिन सेंट्रल जो इंडिया था पहले, उसे मध्य भारत बोला करते थे। बहुत लोग इस जगह को रूल कर चुके हैं, लेकिन इसका जो नाम पड़ा है वो ब्रह्मदेव राय ने दिया है। तो ये तो मुझे पुराना नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ये पुराना होता तो आज तक सड़ जाता। तो इसे अभी अभी ही बनाया गया है, मेरे ख्याल से 5-6 साल हो रहे होंगे, उससे भी कम मे बी। व्हील्स देखो आप, इसमें कितना पेड़ कटा होगा, कितने लकड़ी लगे होंगे, सोचो आप कितने टन लकड़ी लगे होंगे। अब हम चलते हैं इस तरफ, इस तरफ मुझे झोपड़पट्टी दिख रहा है। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है लकड़ी का घर, और यहाँ जाएं कैसे वो तो मुझे पता नहीं यार, क्योंकि यहाँ पर अगर घुसते हैं तो यहाँ प्रेमियों के नाम लिखे हुए हैं, जो इंडिया के लोग इसका कसर कभी नहीं छोड़ते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ऊपर कैसे जाना है मैं थोड़ा देखता हूँ इधर से। और पीछे मेरे आप देख सकते हैं एक पुराने ट्रेडिशनल छत्तीसगढ़ी घर, ये सही था। तो यहाँ घुसते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है बस्तर का दशहरा विधान चित्र, मतलब ये बस्तर के जो भी वहाँ दशहरा वगैरह होता है, संविधान होता है, जो भी वहाँ सेरेमनी होता है, तो उसका यहाँ पर चित्र बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं मछली वगैरह, यहाँ के लोग वगैरह। और यहाँ बैठने का भी जगह है। तो उस लकड़ी वाले घर में जाने का रास्ता मिल गया है, यहाँ से सीढ़ियाँ दी हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। और
बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ है यार, नेक्स्ट लेवल चीज़ है, मतलब यूनिक चीज़ें हैं यहाँ, आपको आना चाहिए यहाँ। आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है भाई छत्तीसगढ़। और यहाँ का जो निर्माण है, यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है, ये छत्तीसगढ़ टूरिज्म ने कराया है और ये गवर्नमेंट से कंट्रोल होती है। यहाँ का ऐसा कुछ सीन है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरा देख सकते हैं आप यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं। अभी मैं आ गया हूँ नारायण पाल मंदिर में, तो ये मंदिर कुछ ऐसा दिख रहा है और यहाँ जगह भी है अंदर घुसने का, तो अंदर घुसते हैं भाई और देखते हैं क्या है अंदर। तो अंदर काफी अंधेरा है और एक स्मेल है यार, यहाँ बहुत अच्छी स्मेल है, मतलब मिट्टी वाली स्मेल बोलते हैं ना, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पानी रिस रहा है कहीं ना कहीं से, फंगस भी लग गए यार। तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बस्तर गांव में आ गया हूँ और यहाँ छोटे छोटे झोपड़पट्टी दिख रहे हैं, जैसे कि ये रहा और इसका नाम है धुरवा होलेक। तो यहाँ भी सब घर वाले चले गए हैं बंद करके, वैसे ये यहाँ कोई रहता नहीं है लेकिन अभी बंद कर दिया है, नहीं पता क्यों, और शायद ये गाय भैंस के लिए ये झोपड़ रहता है। और ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अलग है गाइस, ये थोड़ा मैच्योर ऑडियंस के लिए है, तो वो बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जब हमारी बहनें मैच्योर हो जाती हैं तो उन्हें यहाँ रखा जाता है, तो समझदार लोग समझ जाएंगे, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता मैं। और ये चीज़ देखो आप यहाँ, ये शायद चावल कूटने की ये मशीन है, तो ये मेरे गांव में भी है, डोमहत मेरे गांव में भी है, और जहाँ पर ये ऐसे कुछ वो था वहाँ पर चावल रखा जाता है और उस तरफ कोई खड़ा होता है और ऐसे ऐसे पीसा जाता है। काफ़ी चीज़ मुझे पता है छत्तीसगढ़ के बारे में।